जी, पूजा जी आइए आइए, छुपे रुस्तम जी आइए आइए। पूजा जी देखिए, मैं कोई छुपा रुस्तम बुस्तम नहीं हूँ, मैं बकुले जी हूँ। आप जरा बाहर आइए, मैं आपको समझाता हूँ। अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी देखकर मैं ऑलरेडी सब कुछ समझ चुकी हूँ। मैं खुश दिख रहा हूँ? हाँ हाँ गाटिया हाँ। ए, इडली वाले, मैं खुश नहीं हूँ, मैं टेंशन में हूँ। मैं किस एंगल से खुश दिख रहा हूँ? बकुलेश, इट्स एंगल नॉट एंगले। अगले पूजा जी, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। बकुलेश, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, अब सुनूंगी तुम्हें सिर्फ शादी की शहनाई, तुम्हारी और करवी की शादी की। इडली वाला बजाएगा बाजा, इडली वाला बजाएगा बाजा, टुक 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 टुक। क्या मुंगोरे, यहाँ मेरी लाइफ की बैंड बज गई है और तू बाजा बजा रहा है। पूजा जी देखिए, मैं कड़वी से शादी नहीं कर सकता। पता है क्यूटी पाई, भले ही बकुलेश ऊपर ऊपर से ना कह रहा हूँ, पर मन में तो इसके लड्डू फूट रहे हैं, है ना? दो डाली, दो, ठुप, ठुप, और ठुप। इडली वाला, पूजा जी कोई लड्डू नहीं फूट रहे, बम फूट रहे, बम। वो कड़वी को मैं जानता तक नहीं, आज के पहले लाइफ में कभी देखा भी नहीं है मैंने, और मेरे पिताजी के वचन के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं कर सकता उससे शादी। यो काटिया, काटिया कितना कितना स्वार्थी है तुम। अयो अप्पा का वचन तोड़ना चाहता है। अगर तुम्हारे जगह पे आम होता तो आग बंद करके कड़वी से शादी करके मीठे मीठे सपने देखता। हट कर ले, तू कड़वा और वो कड़वी, कर ले शादी। वचन इसके अप्पा ने दिया है, हमारे अप्पा ने। हाँ हाँ कर ले, कर ले कड़वी से शादी, कर ले। शादी वाली तू शांति रखना, मैं पूजा से बात कर रहा हूँ ना। बकुलेश क्यूटी पाई सही कह रहा है, तुम्हें कड़वी से शादी कर ही लेनी चाहिए। और तुझको पता है तेरे शादी से कितने लोग खुश हो जाएंगे? कड़वी भाभी, जडेजा अंकल, बबुला भाभी, भावेश भाई, पूजा जी, और हम, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मामूटी। हम इतना खुश हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि पूरे बोरीवली को ये बड़ा बड़ा मेंदू वड़ा बांटेगा, वो भी फ्री में। लेकिन मेरा क्या, मैं खुश नहीं हूँ, मैं इस बड़े बड़े मेंदू वड़े से खुश नहीं हूँ, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ पूजा जी। अब शांति से घर जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो, आई एम श्योर तुम शादी के लिए हाँ कर ही दोगे। मान लो, मान लो मेरा दिमाग ठंडा होने के बाद भी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हुआ तो? तो तब का तब सोचेंगे बकुलेश। चिलन।